दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि C295 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के बेड़े को मॉडर्नाइज करने के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब MTA टेंडर को जारी किया गया है। बेसिकली दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स 19 टन से लेकर 30 टन कैपेबिलिटी वाले करीब करीब 40 60 या 80 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। और दोस्तों इस मेगा टेंडर को देखते हुए कई सारे कंपनियों के द्वारा भारत के सामने जहां पे अलग अलग एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने खुद के बलबूते पे भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बनाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब भारत के जो प्राइमरी एरोस्पेस संस्था है, वो अब अपने खुद के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डिजाइन को तैयार करेगा और लोकली इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण करेगा। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अगर एयरक्राफ्टों के रिलेटेड किसी एक कंपनी के पास सबसे अधिक एक्सपीरियंस और सबसे अधिक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियोरिटी है, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तक कई तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके हल्के वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि डॉनियर DO-228 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और कुछ समय पहले जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C295 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया और ये डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ना देके टाटा ग्रुप जैसे कंपनी को दिया गया। और दोस्तों टाटा ग्रुप जहां पे अब भारत में एयरबस कंपनी के साथ मिलकर C295 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, तो उसे देखते हुए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के निर्माण को लेकर अपना तैयारी कर रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का तैयारी करेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के कई तरीके की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए उपयोग हो सकेगा और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी शायद इसे पार्टिसिपेट करवाया जाए। इवन दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में इंडिजनाइजेशन को और सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्गो एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर सोच रहा है और जल्द ही इसके ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपना काम भी शुरू कर दिया जाए। अब दोस्तों कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ के तरफ से अपने एक बयान में बताया गया था कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के पुराने हो चुके एंटोनोव AN-32 और इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा और ये जो रिप्लेसमेंट का काम है ये MTA टेंडर के द्वारा साल 2030 के बाद से शुरू होगा। और फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में देखा जाए तो करीब करीब 100 से भी अधिक एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट है और करीबन 17 इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्ट है। और ऐसे में आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि अगर इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना है तो कितने बड़े मात्रा में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक तो ये एयरक्राफ्टों का संख्या 100 से भी अधिक होगा और इसे देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतने बड़े टेंडर को किसी भी विदेशी कंपनी के हाथ में जाने देना नहीं चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर इतने बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों को विदेशों से खरीदा जाता है, हालांकि वो भी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी खरीदा जाता है, तब भी कुछ हद तक ऐसे कंपनियों के ऊपर भारत को निर्भर रहना पड़ेगा। पर अगर इन एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से डेवलप कर लिया जाता है तो भारत इन एयरक्राफ्टों के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो भारत के सामने MTA टेंडर के अंतर्गत 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा जा चुका है, जिनमें सबसे आगे है एम्बेरियर कंपनी मतलब ब्राजीलियन कंपनी, जो अपने C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा है। और दोस्तों मिलेनियम एयरक्राफ्ट असल में 2 जेट इंजन वाले एक ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है जो करीब करीब 26 से 27 टन तक पेलोड को लेके उड़ान भर सकता है। जबकि इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से अपने आइकॉनिक C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्टों का भी प्रस्ताव रखा है, जो कि 4 टर्बोप्रॉप इंजन वाले एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो करीब करीब 19 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा यूरोप के एयरबस कंपनी के द्वारा अपने A400M एटलस एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया है। और दोस्तों इन तीनों एयरक्राफ्टों में एटलस एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा और सबसे अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है और एटलस एयरक्राफ्टों में 4 टर्बोप्रॉप इंजन का उपयोग किया गया है, जिसके सहारे ये करीबन 37 टन तक पेलोड को कैरी करने में समर्थ है। और फिलहाल दोस्तों अगर इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाना है तो एटलस एयरक्राफ्टों से बेहतरीन कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता। पर वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करेगा इसके बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के इल्यूजन कॉर्पोरेशन के साथ साथ मिलकर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए काम कर रहा था और तब एक जेट इंजन वाले एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर कर लिया और अब इल्यूजन कॉर्पोरेशन के द्वारा अपने खुद के बलबूते पे इन एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया है, जिसे कि इल्यूजन 276 कहा जाता है और ये करीब करीब 20 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। हालांकि फिर से इस प्रोजेक्ट को जिंदा करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को तैयार करने को लेकर संकल्प रखा है तो आने वाले समय में किसी एक कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा सकता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट
सपोर्ट एयरक्राफ्टों के क्षमता को मजबूत करने के लिए अपना खुद का इंडिजिनियस तरीके से प्रयास चला रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के यूनिट को लेके भी हाल ही में एक बड़ा खबर आया है। और दोस्तों ये खबर असल में स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेके है, और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन तंजेबुर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नया हेलीकॉप्टर यूनिट को इंडक्ट किया गया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के जो तंजाबुर में इंडियन एयरफोर्स के साउदर्न कमांड के एयर स्टेशन है, वहां पे 19 मार्च 2024 के दिन पहला हेलीकॉप्टर यूनिट को इंडक्ट किया गया है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि असल में साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर में इंडियन एयरफोर्स के रिसोर्सेज को बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करने के लिए और साथ ही साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस हेलीकॉप्टर यूनिट को तंजाबुर में इंडक्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों अगर साउदर्न एयर कमांड के हेडक्वार्टर को देखा जाए तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, तो वहीं पे ये जो हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हुआ है असल में तमिलनाडु के तंजाबुर में हुआ है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सुखोई 30 एमकेआई एयरक्राफ्टों के साथ जब ब्रह्मोस मिसाइलों को इंटीग्रेट किया गया था तब भी इसे इसी एयरफोर्स स्टेशन में स्टेशन किया गया था। अब दोस्तों ये जो साउदर्न एयर कमांड है ये असल में इंडियन ओशन रीजन के लिए काफी क्रिटिकल है, और तंजाबुर एयरबेस को भी इंडियन ओशन रीजन के प्रोटेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में माना जाता है। और शायद यही एक कारण था जिसके वजह से सुखोई 30 एमकेआई एयरक्राफ्टों में जब ब्रह्मोस मिसाइलों को पहली बार इंडक्ट किया गया था तब इसे यही पे ही डिप्लॉय किया गया था। और ये भी दावा किया जाता है कि सुखोई 30 एमकेआई एयरक्राफ्टों को यहाँ पे परमानेंटली भी स्टेशन किया गया है। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में दक्षिणी क्षेत्र में इंडियन ओशन रीजन में काफी दूर तक अपने स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है और अन्य देशों के जो घुसपैठ है उसे काफी बेहतरीन ढंग से रोक सकेगा। वहीं पे दोस्तों हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करने के पीछे यहाँ पे जो कारण है वो है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करना, और कोस्टल रीजन में अगर किसी भी तरीके का कोई घुसपैठ होता है तो हवा से उसे न्यूट्रलाइज करना। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हेलीकॉप्टर यूनिट के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को ही यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, जो कि भारत का पहला हल्के वजन के मल्टीरोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को वन ऑफ द बेस्ट हल्के वजन के हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जाता है, जो कि नाम में ही केवल मात्र हल्के वजन का है और काम में संपूर्ण भारी वजन के हेलीकॉप्टरों के जैसे अपने काम को अंजाम दे सकता है। अब दोस्तों LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो फिलहाल ऐसे टोटल 19 हेलीकॉप्टरों को निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 4 हेलीकॉप्टर असल में टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन हेलीकॉप्टर है, जबकि 15 हेलीकॉप्टर LSP वेरिएंट मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट है। 3 अक्टूबर 2022 के दिन हेलीकॉप्टरों को इंडक्ट किया गया है, और फिलहाल इन 15 हेलीकॉप्टरों में से करीब करीब 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बाकी के 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पे अगर रिपोर्ट को देखें तो करीब करीब 156 और हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जिनमें करीब करीब 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा जबकि 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा। दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, और इसका लंबाई करीबन 15.8 मीटर मतलब करीबन 51 फीट 10 इंच है, और इसका विंग स्पैन करीबन 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच है। हेलीकॉप्टर का हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है, जबकि इसका एम्प्टी वेट करीबन 2250 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5800 किलोग्राम के आसपास है। हेलीकॉप्टर का पेलोड क्षमता 1750 किलोग्राम है, जबकि इसमें इंजन के रूप में 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टर्बोमैका शक्ति 1H1 इंजन का इस्तेमाल किया गया, और इनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 1032 किलोवाट या फिर कहते 1384 हॉर्स पावर है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम स्पीड करीबन 280 किलोमीटर पर आवर है, और नेवर एक्सीडेड स्पीड करीब करीब 330 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हेलीकॉप्टर का रेंज करीबन 700 किलोमीटर और एंड्योरेंस करीबन 3 घंटा 10 मिनट का है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग करीबन 6500 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब करीब करीब 12 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 2400 फीट पर मिनट है, जबकि हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखा जाए तो एक 20 मिलीमीटर के M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि नेक्स्टर के THL-20 टैरेट में रहता है, जबकि इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे आइदर 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट या फिर 8 मिस्टल जैसे एयर टू एयर मिसाइल या फिर 16 ध्रुवस्त्र जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है, जबकि बॉम्ब के रूप में ये 2 हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 250 बॉम्ब या फिर क्लस्टर म्यूनेशन या अनगाइडेड बॉम्ब के रूप में 2 प्री फ्रेगमेंटेड बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें ग्रेनेड लॉन्चरों को भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर एवियोनिक्स को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एल्बिट के कॉम्पस, ऑप्टियोनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साफ के रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम और चैफ और फ्लेयर को लगाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के प्रयास के अंतर्गत लगातार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और लगातार इंडिजिनियस हथियारों को एक के बाद एक इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या सच में अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा सकेगा या नहीं, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।